इसमें तीन कलर है शायद, तीन या गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल विथ न्यू अनदर ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी, होप कि आप लोग बहुत अच्छी होंगे और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल भी रख रहे होंगे। मेरा नाम है संगीता और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज ये दिन संडे और सुबह उठते ही मैं आ गई हूँ अपने प्लांट में पानी देने। वैसे धूप तो आज भी नहीं निकला है गाइज, अभी भी मिट्टी गीली ही है, पर ये जो मैं मंगाई हूँ ना अमेजोन से, मुझे इसका इस्तेमाल करना था तो मैं थोड़ा थोड़ा पानी दे दी हूँ। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ वॉशिंग मशीन में कपड़ा देने। दो से तीन दिन से कपड़ा मैं नहीं धोई हूँ, बकेट भर चुका है, तो सोची कि मैं वॉशिंग मशीन में कपड़ा दे देती हूँ, वॉशिंग मशीन अपना काम करते रहेगा और साइड से मैं अपना काम करते रहूँगी। तो इधर मैं चाय बैठा दे रही हूँ सुबह वाली, और साथ ही मैं बैठाऊँगी छोला। रात में मैं काबुली चना भिगोई थी, मुझे आज बनाना है छोले और पूरी। तो जब भी मैं चना वाली सब्ज़ी बनाती हूँ साथ में आलू ज़रूर देती हूँ, और साथ ही एक बड़ी इलायची, तेज़पत्ता, हल्दी, नमक और थोड़ा सा सोडा डाल के इसे 4 से 5 मिसलियाँ तक पका लीजिएगा। मैं तो 5 से 6 सीटी लगा दी थी क्योंकि थोड़ा ये गला गला सा रहता है ना, तभी मुझे इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। और जब कुकर ठंडा हो जाए ना तभी इसे आप खोलिएगा, ऐसे नहीं खोलना है। कपड़ा जब मैं फैला रही थी ना तो हल्की सी धूप दिखाई दी थी फ्रेंड्स, पर बाद में हल्की धूप आई थी उस समय, तो फिर धूप आके चली गई थी। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ रूम में बेडशीट चेंज करने। संडे को मैं अपने बेड का बेडशीट ज़रूर चेंज करती हूँ। और चलिए फटाफट से छोले के लिए मसाला रेडी कर लेते हैं। तो मैं एक काट लहसुन ली हूँ, और साथ ही 3 हरी मिर्च, 3 लाल मिर्च, 1 चम्मच जीरा लेंगे, 15 से 20 काली मिर्च लेंगे, और थोड़ा सा मैं गर्म मसाला भी ली थी। और इसे एकदम चिकना पीस लीजिएगा। मैं आप लोग को रेसिपी दे रही हूँ छोले की गाइस, एक बार इस तरीके से जरूर ट्राई कीजिएगा, नो फेल रेसिपी है। मेरे हस्बैंड को इतना पसंद आया ना, मतलब वो ऐसे तो बोलते नहीं है पर आज वो बोल दिए कि छोला बहुत टेस्टी बना था। तो मेरी हाउस हेल्पर आई हुई है, साथ साथ मैं इधर अपना छोला भी बना ले रही हूँ। तो तेल में डालेंगे 2 तेज़पत्ता, दालचीनी, बड़ी इलायची, 2 लाल मिर्च, जीरा, हींग जरूर डालिएगा क्योंकि काबुली चना से गैस थोड़ा ज़्यादा फॉर्म होता है, तो हींग से थोड़ा ये डाइजेस्ट अच्छे से होगा। 2 मैं यहाँ पे प्याज ले ली थी, लंबा लंबा और बारीक काटिएगा, मतलब पतला पतला, और उसे इस तरह से भून लीजिएगा। और मसाला में इसमें जाएगा हल्दी और काश्मीरी लाल मिर्च, तीखी वाली मिर्च मत ऐड कीजिएगा गैस, क्योंकि पिसते वक्त ही मैं 6 मिर्च डाली थी। तो जब इसे जब हल्का सा भून जाए ना हल्दी और मिर्च, तो पिसा हुआ मसाला डालेंगे, और साथ ही डाल देंगे टमाटर की प्यूरी। मैं 2 टमाटर को ग्राइंडर में ऐसे पीस ली थी, और इस मसाले को एकदम अच्छे से भुनना है। लेकिन उससे पहले हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ये नमक, और उसके बाद इसकी अच्छे से करेंगे भुनाई। मसाला तो हमारा भून रहा है, साइड से हम पूरियों के लिए आटा लगा ले रहे हैं। तो आटा में मैं ली हूँ मंगरेल और अजवाइन, थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे, और साथ ही डालेंगे 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल, और इसे मिलाते हुए इसका डो तैयार कर लेना है। वैसे आप लोगों को तो पता ही होगा कि इसका डो कैसा होना चाहिए पूरी के लिए, फिर भी मैं बता दे रही हूँ, इसका डो थोड़ा टाइट ही रखिएगा गाइस। इससे क्या होगा कि आपकी पूरियाँ एकदम फुली फुली सी बनेगी, और साथ ही ये तेल भी नहीं पिएगी। और ये देखिए मसालों की रंगत कुछ ऐसी हो गई है, तेल तो पूरा छोड़ दिया है पर इसे इतने पे ही नहीं छोड़ना है, इसकी और अच्छे से भुनाई करनी है। मैं आपको दिखाती हूँ, तो ये देख रहे हैं कुछ ऐसा एकदम लाल कर लेना है मसालों को भूनते हुए। आराम से 10 से 15 मिनट लेके मसालों को भूनिएगा, इस तभी तो टेस्ट आएगा ना। चना और आलू डालने के बाद इसे 2 से 3 मिनट के लिए ज़रूर भून लीजिएगा, बहुत ही सोंदा फ्लेवर आता है। उसके बाद डालेंगे पानी, तो ये वही पानी है जिसमें मैं चना को बॉयल की थी, अलग से पानी डालने की वैसे ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो यहाँ पे नमक ज़रूर टेस्ट कर लीजिएगा, मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैं थोड़ा सा नमक और ऐड की हूँ, और इसे हम 7 से 8 मिनट के लिए और पकाएँगे लो फ्लेम पर।
और गाइस आप देख सकते हैं इसकी रंगत एकदम तेल छोड़ दिया है। और लास्ट में बस इसमें डालना है गरम मसाला, आमचूर पाउडर और चाट मसाला, और लास्ट में धनिया का पत्ता। मिलाते हुए गैस का फ्लेम करेंगे ऑफ, और जो भी ये खड़े मसाले ना इसे मैं बाहर निकाल दे रही हूँ ताकि खाते टाइम कोई मुँह ना बनाए। नहाने के बाद मैं फिर से आ गई हूँ किचन में पूरियों को तलने के लिए। क्या है कि हस्बैंड का 3 घंटे का कॉल है, ऑफिशियल कॉल। वैसे तो आज संडे है, फिर भी वो बोल रहे थे कि 3 घंटे के लिए थोड़ा बिजी रहेंगे, तो फटाफट से पूरी को तल के मैं उनको नाश्ता करा देती हूँ। और तो फ्रेंड्स आज मेरे घर में लाइट लगने वाली है, भैया आने वाले हैं लाइट लगाने, तो आप लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। मैं सारे लाइट जो है ना सारा फ्लिपकार्ट से मंगाई हूँ, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। मैं ब्रेकफास्ट करके थोड़ी देर के लिए रेस्ट ही कर रही थी, तभी भैया आ गए थे लाइट लगाने के लिए, और सारा लाइट मुझे ही लगवाना पड़ा क्योंकि हस्बैंड तो वैसे ही बिजी थे, बीच बीच में बस वो दर्शन दे दे रहे थे, देखने आ जा रहे थे कि कैसा लग रहा है लाइट लगने के बाद। सारा इंस्ट्रक्शन तो दिया होगा ना कहीं, तो हो जा। आप कभी इस तरह से कनेक्ट किए हैं दूसरे से? अच्छा 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 अच्छा, ठीक है आपका। कुछ ज़्यादा ही डार्क येलो कलर है इस कलर का रहता तो और ज़्यादा मैच करता है ना, ये जलने के बाद अच्छा लगेगा। इसमें 3 कलर है शायद, 3 या 2 कलर है इसमें। तीन है। आज ये कपड़ा पसारने वाला भी लगी जाएगा फ्रेंड्स, बहुत दिनों से लाके रखा हुआ है। ऐसे ही भैया आए हैं तो जो जो काम पेंडिंग है सारा काम मैं करवा ले रही हूँ। हो गया भैया, फिर लाइट जला देते हैं ना। ये फाइबर वाला है क्या? हाँ, तो फाइबर वाला अच्छे से काम करता है? फाइबर वाला लगाता हूँ, वो सही नहीं। अच्छा अच्छा, वो मेटल वाला, वो वोल्टर में लगा। ओके, तो मेटल वाला लेकिन दिखने में जो भी हो लेकिन मेटल वाला आई थिंक ज्यादा अच्छा काम करता है फाइबर वाले से। हाँ, क्या बहुत वो सही रहता है ना? नहीं, वो वोल्टर में ज्यादा
सो गाइज, आज घर में दो लाइट लग गया, बालकनी में कपड़ा पसारने वाला और दोनों बाथरूम में एक एग्जॉस्ट फैन लग गया। जो सामान मैं ऑनलाइन मंगाई हूँ सबका लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आप घर की हालत देख सकते हैं, मेरा तो काम बढ़ गया है, साफ सफाई करनी पड़ेगी। तो मैं ब्लॉग की एंडिंग यहीं पे कर रही हूँ। होप कि आप लोग को ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर मैं चैनल पर नया हूँ तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।